कोलकाता रेप और हत्याकांड मामले में सीबीआई की जांच तेज हो गई। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पहुंची सीबीआई की टीम। संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया है। एबीपी के ऑपरेशन आरजिकर के बाद कोलकाता में 15 जगहों पर सीबीआई के एक्शन की खबर। डॉक्टर देवाशीष के घर भी पहुंची सीबीआई की टीम। आरजिकर मेडिकल कॉलेज में फोरेंसिक मेडिसिन के हेड हैं डॉक्टर देवाशीष। कोलकाता के आरजिकर अस्पताल के मुख्य आरोपी संजय रॉय का आज पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। कल तकनीकी कारणों की वजह से नहीं हो पाया था आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट। आरोपी संजय रॉय के बाइक को कोलकाता ऑफिस ले आई सीबीआई। वारदात के दिन इसी बाइक का इस्तेमाल किया था। आरोपी खुद को पुलिस वाला बताकर धौंस दिखाता था। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा बोले, रेप और मर्डर मामले में दोषी धनंजय जैसा नहीं होना चाहिए। संजय रॉय का हाल अभी भी कई पॉइंट्स की वजह से धनंजय के दोषी होने पर संदेह होता है। जम्मू के दो अस्पतालों में एसएसबी के जवानों की तैनाती। एसएमजीएस अस्पताल प्रशासन डॉक्टर्स और सुरक्षा की मांग कर रहे थे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी तैनाती। कोलकाता के आरजिकर अस्पताल में डॉक्टर के रेप और मर्डर का मामला। आज भी डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट। आरजिकर में जारी है डॉक्टर्स का प्रदर्शन। आरजिकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर को लेकर के वैज्ञानिकों का गुस्सा फूटा। विरोध में कोलकाता की सड़क पर उतरे साइंटिस्ट, मार्च निकालकर विरोध जताया। प्रधानमंत्री मोदी का आज महाराष्ट्र और राजस्थान का दौरा। महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 11 लाख नई लखपति दीदियों को सम्मानित करेंगे। राजस्थान के जोधपुर में हाईकोर्ट की स्थापना के प्लैटिनम जुबली के मौके पर समापन समारोह है और इसमें शामिल होंगे पीएम मोदी। उच्च न्यायालय संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज सुबह 11 बजे प्रसारण होगा। देशवासियों को संबोधित करेंगे। ये मन की बात का 113वां एपिसोड होगा। मन की बात कार्यक्रम को लेकर के बीजेपी की खास तैयारी। जेपी नड्डा दिल्ली बीजेपी नेताओं के साथ मुल्तानी मोहल्ला पहुंचेंगे। झुग्गी में रहने वाले लोगों के साथ सुनेंगे मन की बात। अमित शाह के 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे का आज आखिरी दिन है। सुबह रायपुर में एनसीबी कार्यालय का उद्घाटन। दोपहर में सहकारिता विस्तार को लेकर बैठक में शामिल। कल रायपुर में हुई गृहमंत्री अमित शाह की नक्सल विरोधी अभियानों को लेकर अहम बैठक है। 7 राज्यों के साथ गृहमंत्री ने मंथन किया। बोले, समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद का खात्मा हो। उग्रवाद पर दिए अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस नेता दीपक बैज बोले, 10 साल से नक्सलवाद को खत्म करने की बात कह रहे हैं शाह, लेकिन उनके पास कोई खास योजना नहीं है। जाति जनगणना को लेकर के राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। बोले, जाति जनगणना को रोका नहीं जा सकता। सरकार राजा महाराजाओं वाला मॉडल अपनाना चाह रही है। कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन को मंजूरी दी है। 2025 से नई पेंशन को लागू भी किया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का यह अहम फैसला। यूपीएस में सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान होगा। सरकारी कर्मचारी अब रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीने में मिले औसत बेसिक सैलरी के 50% को पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। नई पेंशन योजना में न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर ₹10,000 हर महीने मिलने की गारंटी रहेगी। इस वैकल्पिक योजना से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। राज्य सरकार शामिल होना चाहे तो कर्मचारियों की संख्या हो जाएगी 90 लाख। औद्योगिक श्रमिकों को मिलेगा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई से राहत। सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त रकम के भी हकदार होंगे। मुंबई के 36 विधानसभा सीटों को लेकर के महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई है। उद्धव गुट ने 20 से 22 सीटों पर दावा किया है, तो वहीं कांग्रेस ने 13 से 15 सीटें मांग ली हैं। शरद गुट को 5 से 7 सीट पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव लाते देखा। सीएम योगी का आज से 2 दिन के लिए मथुरा दौरा। करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। कल कृष्ण जन्माष्टमी पर भी मौजूद रहेंगे।
चिराग पासवान ने की झारखंड में पार्टी विस्तार की तैयारी। रांची में बैठक बुलाई गई है। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच करीब आधा दर्जन सीटों पर पेंच फंस गया है। कांग्रेस नेतृत्व में सलमान खुर्शीद को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले चरण की 24 में 9 सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज है। जम्मू कश्मीर हरियाणा विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों को उनके नाम को फाइनल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पहले फेज के लिए 27 अगस्त को नामांकन की आखिरी तारीख। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कभी नहीं बहाल किया जाएगा अनुच्छेद 370। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने घोषणा पत्र में बहाल करने का वादा किया है। बीजेपी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। बीजेपी नेता किशन रेड्डी ने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है धारा 370 हटाने की बात, इस पर कांग्रेस की क्या राय। पीडीपी के घोषणा पत्र पर बीजेपी नेता कविंदर गुप्त ने निशाना साधा, कहा यह नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र की कॉपी पेस्ट है, देशद्रोही है, कांग्रेस भी इनका साथ दे रही है। हरियाणा बीजेपी के चुनाव आयोग से विधानसभा चुनाव को टालने की अपील है। छुट्टियों का हवाला दिया, कहा छुट्टियों की वजह से 1 अक्टूबर को मतदान कम हो सकता है। बीजेपी के बाद INLD ने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की। विधानसभा चुनाव की तारीख टालने की मांग पर कांग्रेस हमलावर। कांग्रेस नेता शैलजा कुमारी ने एक्स पर पोस्ट करके तंज कसा, कहा छुट्टी होना तय है इसीलिए छुट्टी का बहाना बना रहे हैं।